हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि जाड़े के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में डायबिटीज़ के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें। और दोस्तों, आज ही के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों की शुरुआत में आप अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव करें जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहे। तो दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ठंड के मौसम में ब्लड शुगर लेवल बुरी तरह से प्रभावित होता है। दोस्तों, जो ब्लड है वो हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इस वजह से ब्लड शुगर का लेवल जो है वो लगातार बदलता रहता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, सर्दियों की शुरुआत में खास तौर पर, और अपने आप को गर्म रखें, खाने में अच्छा खाएं। और दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दियों की शुरुआत है तो इसलिए आपको अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को बचा करके रखेंगे सर्दी से, तो कहीं ना कहीं आगे का समय आपका बेहतर कटेगा और आपको किसी खास तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि तेज़ सर्दी हो या तेज़ गर्मी, दोनों ही हमारे ब्लड शुगर लेवल पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मौसम बदलने से शरीर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है और इंसुलिन बनाने का जो प्रोसेस है उस पर असर पड़ता है। और दोस्तों, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ये मानता है कि सर्दियां कैसे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पर असर डालती हैं, इसके बारे में सामान्य तौर पर लोगों में जागरूकता की कमी है। और कम तापमान पर शरीर को अच्छे से बचाए रखने के लिए, अच्छे से प्रोसेस कराने के लिए इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार सर्दियों में लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं और अवसाद का भी शिकार हो जाते हैं, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं शरीर में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और तनाव और अवसाद दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो आपको सर्दियों में इन दोनों चीज़ों से बच के रहना है और अपने आप को खुश रखना है। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सर्दियों में डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए आपको कुछ खास काम करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है दोस्तों कि ज़ुकाम और फ्लू से बचना है। जी हाँ दोस्तों, ज़ुकाम और फ्लू का संक्रमण खतरनाक हो सकता है, और अगर सावधानियाँ ना बरती जाएँ तो डायबिटीज़ के मरीज कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों को सर्दियों की शुरुआत में ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और हो सके तो फ्लू की वैक्सीन भी ले लेनी चाहिए अगर डॉक्टर कहें तो। फिर दोस्तों, दूसरी बात करें कि सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को गर्म रखें, उचित मात्रा में कपड़े पहनें, और अपने पैरों का खास ध्यान रखें, पैरों को गर्म रखने के लिए गर्म जुराब पहनें। और दोस्तों, अपने ब्लड शुगर की नियमित जांच कराते रहें, ये सबसे ज़रूरी काम है। फिर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सेहतमंद आहार लें, यानी बेहतर क्वालिटी का खाना खाएं। और डायबिटीज़ के मरीज जो हैं वो हाई कैलोरी वाली चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएं, कहीं ना कहीं फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दें, मीठे फलों से परहेज करें, अत्यधिक मीठे जो होते हैं उन्हें ना खाएं, सामान्य तौर पर खा सकते हैं। और इन महीनों में यानी सर्दियों के मौसम में आप शराब का सेवन तो बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए जहर के समान। फिर दोस्तों, आखिरी बात कि आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। दोस्तों, छोटे दिन और लंबी रातें होने के कारण एक्सरसाइज ना करने का बहाना एक आम हो जाता है सर्दियों में, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये ज़रूरी है कि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने नज़दीकी शॉपिंग सेंटर, मॉल आदि में सैर करने के लिए ज़रूर जाएं सुबह शाम। और जिम जाने से पहले या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें कि वो ये करें या ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।